हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हियर शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश। टुडे वी विल कवर पोएम नंबर 7, अवेयरनेस अबाउट आवर एनवायरनमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्रोकन बॉटल्स एंड चेयर्ड पीसेस ऑफ ग्लास, वेडेड अप न्यूज़पेपर्स टॉस्ड ऑन द ग्रास, pouring of concrete and tearing out trees, this is the environment that surrounds me। तो इस पोएम में आप क्या देख सकते हैं, जो ये ब्रोकन बॉटल्स है और चेयर्ड पीसेज ऑफ ग्लास। चेयर्ड मीन्स क्या हो जाता है आपका, वो पीसेज ग्लास के जो कि आपके ब्लैक और बर्नड हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयर्ड ब्लैक एंड बर्नड। ओके, बर्न जल चुके हैं, ब्लैक हो चुके हैं, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखते हैं वेडेड अप न्यूज़पेपर टॉस्ड ऑन द ग्रास। तो वेडेड का क्या मतलब हो जाएगा, वट इज़ द मीनिंग ऑफ वेडेड हियर? वेडेड मीन्स रोल्ड इन टू अ टाइट बंडल, यानी कि न्यूज़पेपर को हम टाइट बंडल में जो रोल कर देते हैं, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेडेड अप न्यूज़पेपर्स टॉस्ड ऑन द ग्रास, पोरिंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड टीयरिंग आउट ट्रीज, क्लियर? और जो है पेड़ों को काट करके, पेड़ों को हटा के, रिमूव करके, वहाँ पर कंक्रीट, मतलब वो जो बालू और सीमेंट का मिक्सचर होता है घर वगैरह बनाने के लिए, उसको डाला जा रहा है। कहने का मतलब बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। ठीक है, दिस इज़ द एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स मी, और यही एनवायरनमेंट है जो हमारे चारों तरफ है। कैसा एनवायरनमेंट है? टूटी हुई बॉटल्स का, कांच के टुकड़े जो कि जल चुके हैं, ब्लैक हो चुके हैं, न्यूज़पेपर के बंडल इधर उधर फेंके हुए हैं, पेड़ों को काट दिया गया है, और वहाँ पर जो है बालू सीमेंट के मिक्सचर को डाल दिया गया है, और ये एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ है। क्लियर, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टैंजा देखेंगे। पॉइजन्स एंड इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन आवर फूड। पॉइजन और जो केमिकल, जो कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो हमारे फूड के ऊपर छिड़के हुए हैं। ओशियंस फिल्ड विद थिक ऑयल क्रूड। थिक ऑयल क्रूड और इंसेक्टिसाइड्स, मतलब आप देख लेते हैं क्या होता है। थिक ऑयल क्रूड क्या है? ऑयल, थिक ऑयल क्रूड, ऑयल क्रूड मीन्स ऑयल इन इट्स नेचुरल स्टेट, यानी कि वो जब अपने जो है रिफाइन करने से पहले जो नेचुरल स्टेट पे रहता है वो है। और इंसेक्टिसाइड्स मतलब मैंने आपको बता दिया, पॉइजनस केमिकल यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। ठीक है, तो हमारे फूड पे ये सारी चीज़ें भी हैं, और पूरा जो हमारा ओशियंस है वो इन सब ऑयल क्रूड से भरा हुआ है। ऑल सी लाइफ डेस्टाइंड टू स्लो अवे फुल डूम। और जो सी लाइफ है, समुद्री जीव है, वो धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देर आर द थिंग्स वी आर कंज्यूम, देर आर द थिंग्स वी आर टू कंज्यूम। और यही चीज़ें, दीज आर द थिंग्स, यही चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मतलब हम खाते हैं, पीते हैं, तो यही चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में जो हम कंज्यूम करते हैं। मील्स पंपिंग आउट आयरन एक्सपेलिंग येलो फ्यूम्स। और जो मील्स है, ठीक है, वो जो है एक तरीके से धुएँ को, येलो धुएँ को, एक्सपेल मतलब बाहर निकालना, ठीक है, तो येलो धुएँ को, फ्यूम मतलब धुआं, तो येलो धुएँ को बाहर निकालती है। हियर यू कैन सी फ्यूम मीन्स स्मोक गैस एंड एक्सपेलिंग मतलब थ्रोइंग आउट विथ फोर्स, बाहर निकालती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे एयरलाइन एमिटी कास्टिंग गैसेस फ्रॉम फ्यूल। अब यहाँ पर हम देखते हैं एयरलाइंस एमिटी मतलब प्रोड्यूसिंग और गिविंग आउट, यानी कि बाहर निकालना। कास्टिंग गैसेस वही केमिकल सब्सटेंस दैट आर वेरी पावरफुल एंड कैन डिस्ट्रॉय और डिसॉल्व अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरीके के जो पावरफुल गैसेस होती है जिसमें केमिकल्स होते हैं, वो हमारे एयरलाइंस से निकलती है, धुएं के माध्यम से बाहर निकलती हैं, और जो है जो भी उनका ईंधन चलता है वो जो है जो भी गैस होती है वो काफ़ी हार्मफुल और पॉइजनस होती है, उसके माध्यम से वो बाहर निकलती है। वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन टेस्टेड एट डेसोलेट साइट्स। और जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, बम वगैरह है, उनको जो है निर्जन, डेसोलेट मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, तो इस तरह की जगह पर उनको डिस्ट्रक्ट किया जाता है, उनका विनाश, वो जो है उनको टेस्ट किया जाता है, सॉरी, ये जो विनाशकारी वेपन्स हैं उनको वहाँ पर उनका परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। एंड दिस इज़ द एयर दैट इज़ टू सस्टेन लाइफ।
और यही वो एयर है जो कि हमें जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही वो एयर है. देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट समवन कैन डू लाइक रेज द अवेयरनेस टू दोज अराउंड यू दैट इफ़ वी डोंट नीड हिट द प्रॉब्लम एट हैंड इट इज़ योर लाइफ दैट्स एट शेक द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन. अब यहाँ बताया जा रहा है कि देयर हैज़ टू डू समथिंग दैट समवन कैन डू, कि मतलब कि हम लोग हैं जो कि कुछ कर सकते हैं, हम लोग हैं कुछ कर सकते हैं. लाइक रेज द अवेयरनेस टू दोज अराउंड यू, और जो हमारे आसपास हैं वहाँ पर अवेयरनेस मतलब जागरूकता, जागरूकता फैला सकते हैं हमारे आसपास के लोगों के मध्य में, और हमें जो है ये करना होगा, यही जो है ज़रूरी है इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी. ठीक है, हमें जो है इस एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए. इट इज़ योर लाइफ, लाइफ हमारी है. ठीक है, और ये हमारा ही डिस्ट्रक्शन है, हमारा ही विनाश है. एट शेक मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं दैट कैन बी वोन और लॉस्ट, यानी कि हमारी लाइफ है. ठीक है, हम इसको जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, ये नहीं तो हमारा डिस्ट्रक्शन है. आई थिंक द पोएम इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.